नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस बार हम ब्यूरोक्रेसी, सरकार और सियासत की कई सारी रोचक खबरें लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शोर चल रहा है। हर कोई व्यक्ति, नेता, अफसर जो समाज के जानकार हैं, वो इस बुरा भाग में लगे हैं कि किस सीट पर कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण खबर भी है जो अभी दबकर रह गई है। खबर यह है कि ब्यूरोक्रेसी में, उत्तर प्रदेश की अफसरशाही में, कई बड़े बड़े दिग्गज नाम जो थे वो इस चुनावी शोर के बीच हमसे चुपचाप विदाई लेने की तैयारी में है। यानी कि लोकसभा चुनाव के हंगामे के बीच यूपी की ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज अफसर रिटायरमेंट के कगार पर आ गए हैं। वो इस ब्यूरोक्रेसी की लंबी सेवा के बाद अब यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, विदा ले रहे हैं। ये अफसर वो हैं जिनके एक इशारे पर सरकारों का रुख पलट जाता था। ये एक समय में मुख्यमंत्रियों की आंख नाक कान हुआ करते थे। ऐसे दिग्गज अफसर हमारे बीच से चुपचाप विदा हो रहे हैं, तो इस पर लोगों का ध्यान आकर्षण करना बनता है। अगर आने वाले 6 महीनों पर हम नज़र डालेंगे तो ये देखेंगे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे लगातार हर महीने रिटायर होंगे, अलग होंगे, विदाई लेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण महीना मई का महीना है, जिस महीने में हम आपसे बात कर रहे हैं। इस मई महीने में योगी सरकार के 3 बहुत महत्वपूर्ण अफसर हमसे विदाई ले रहे हैं। अनीता सिंह जो मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव रही हैं, एसीएस हैं, वो भी इसी मई महीने में रिटायर हो रही हैं। 1988 बैच की आईएएस अफसर हैं अनीता सिंह। ब्यूरोक्रेसी में उनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है और एक बेहतरीन अफसर के तौर पर उनकी पहचान रही है। उनके साथ 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं महेश गुप्ता। महेश गुप्ता और देवपाटन मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा, ये दोनों भी इसी महीने रिटायर हो जाएंगे। महेश गुप्ता इसी मई महीने में अनीता सिंह के साथ और उनके साथ योगेश्वर राम मिश्रा, ये 3 लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अनीता सिंह एक ऐसी अफसर रही हैं जो 2 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में प्रमुख सचिव रही हैं, पंचम तल पर रही हैं। उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। दोनों सरकारों के कार्यकाल में कई सारी कल्याणकारी योजनाएं जब चली तो उसमें उनका बहुत अहम रोल था। उनकी गिनती उत्तर प्रदेश के बेहतरीन आईएएस अफसरों में होती है और कहा जाता है कि रास्ता कैसे बनाया जाता है, सरकारों की योजनाओं को सरलता से कैसे लागू किया जाता है, उसमें अनीता सिंह का कोई मुकाबला नहीं था। मुख्यमंत्रियों का उन पर भरोसा रहा, लेकिन अब वो एसीएस के पद से रिटायर हो रही हैं। मई के बाद जब जून का महीना आएगा तो 1988 बैच की आईएएस अफसर हैं राधा एस चौहान, जो अभी केंद्र में तैनात हैं, उनका भी रिटायरमेंट होना है। राधा एस चौहान के बारे में आप जानते होंगे कि उनके पति उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं और वो पिछले साल सेवानिवृत्त हुए हैं, डीएस चौहान। अगस्त महीने में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति रिटायर होगा, रजनीश दुबे। वो इस समय राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं और जब वो पद खाली होगा तो राजस्व परिषद का चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी के लेवल का पद माना जाता है। तो रजनीश दुबे के बाद उस पद पर अगर सबसे कोई प्रबल दावेदार है, क्योंकि 88 बैच में कोई अफसर बचा नहीं अगर मनोज कुमार सिंह को छोड़ दिया जाए जो आईडीसी हैं, तो फिर 89 बैच का ही कोई आईएएस अफसर राजस्व परिषद का नया चेयरमैन बनेगा। अब 89 बैच में 2 नाम ही बचे हैं जो राजस्व परिषद के चेयरमैन बन सकते हैं। एक नाम है उसमें मोनिका गर्ग का और दूसरा नाम है मनोज कुमार सिंह का। मनोज कुमार सिंह इस समय एसीएस वन विभाग है, वन और पर्यावरण मंत्रालय में।
मनोज सिंह अगर चेयरमैन नहीं बनते हैं तो फिर उनके बाद जो अफसर हैं उनकी नौकरी ज़्यादा नहीं बची है। नितिन रमेश गोकरण, उनका भी रिटायरमेंट सितंबर में है और वो 90 बैच के हैं, तो 90 बैच में सरकार नहीं जाएगी क्योंकि 88 बैच अभी जिंदा है, अभी 89 बैच जिंदा है, सर्विस में है, तो 90 बैच को चेयरमैनशिप सरकार नहीं देगी। तो इसकी प्रबल संभावना अब है कि अगर राजस्व परिषद का कोई चेयरमैन अगला बनेगा तो मनोज सिंह बनेंगे जो वन विभाग में तैनात। अगली खबर सियासत से जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम को अचानक से हटा दिया गया। नरेश उत्तम को अध्यक्ष पद से अचानक बदले जाने के पीछे क्या कारण रहे, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। चूंकि जब लोकसभा या विधानसभा का कोई चुनाव चल रहा हो इतना बड़ा, इस बीच में कोई दल अपने प्रदेश अध्यक्ष को यूं ही नहीं बदलता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, वो हम आपको बताएंगे। वो ओबीसी समाज से आते हैं, पाल समाज से आते हैं, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, कोई चर्चित चेहरा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। अखिलेश यादव के इस फैसले से लोग हैरान हैं। लोगों को उम्मीद थी कि कोई बड़ा नाम, दिग्गज नाम, क्षत्रिय समाज से कोई या ओबीसी समाज से कोई बड़ा लीडर, अखिलेश यादव के पास एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन श्याम लाल पाल जो नरेश उत्तम की कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, वो खुद भी आश्चर्य में होंगे कि कौन सा चमत्कार हो गया। शायद किस्मत उनकी जोरों पर थी, कहते ना कि किस्मत टकराती है तो फिर रोके नहीं रुकता है। ये फैसला कैसे हुआ और क्यों हुआ, जब इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे तो फिर एक सामान्य नाम के नेता को कैसे बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, जो कभी ना सांसद रहा, कभी ना विधायक रहा। चुनाव जरूर वो दो विधानसभा के लड़े हैं, लेकिन वो दोनों चुनाव अपना दल की टिकट पर लड़े हैं, वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, प्रतापपुर विधानसभा से लड़ते हैं। तो ये बातें लोगों को बड़ी उलझाए हुए थी कि श्याम लाल पाल कौन है। श्याम लाल पाल पर आने से पहले ये जानिए कि पाल बिरादरी का उत्तर प्रदेश में करीब 4.5% वोट है। ये वोट अक्सर मायावती के साथ जाता है या फिर वो भाजपा को मिलता है। चुनाव के बीच श्याम लाल पाल के कंधे पर अचानक से जिम्मेदारी डाली गई, उसके पीछे दो तीन लॉजिक हैं। एक तो नरेश उत्तम पटेल जिस बिरादरी से आते हैं, अखिलेश यादव ने अब तक उस बिरादरी के लोगों को, कुर्मी समाज के लोगों को करीब 13 टिकट अब तक दिए हैं लोकसभा के, जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा टिकट है। दूसरी बात कि नरेश उत्तम पटेल लोकसभा चुनाव लड़ने पर आमादा थे, वो टिकट के लिए एकदम छटपटा रहे थे, MLC वो बन नहीं पाए थे, वो चुनाव हर हाल में लड़ना चाहते थे। जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व था वो उनको चुनाव लड़ाने के बजाय वहाँ किसी क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को टिकट देना चाहता था, लेकिन नरेश उत्तम की जीत के आगे आखिरी दिन उनको नामांकन के टिकट दिया गया। इसी बीच जब वो चुनाव लड़ने चले गए तो बिल्ली के भाग से छींका टूट गया और नरेश उत्तम पटेल को चुनाव में व्यस्त होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष पद से राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि अब उधर वो चुनाव लड़े, प्रदेश का काम श्याम लाल पाल को सौंप दिया। तो ये इसके पीछे कुछ कहानियां थी। अब श्याम लाल पाल समाजवादी पार्टी को कितना वोट दिला पाएंगे ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन ये भी सही है कि नरेश उत्तम पटेल कितना वोट दिलाते थे, ये तो जो वोट है समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के चेहरे पर है और जातीय इक्वेशन पर है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जिसको कोई जानता ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोग जाने। तो क्या राजनीतिक दलों में एक तरह का ये चलन है कि नेताओं को जो रखा जाए वो JB टाइप के हों, जिनकी कोई बहुत वॉइस ना हो, जनाधार ना हो और समाज में कोई ज़्यादा पकड़ ना हो और जिस सर या सर के अलावा वो पार्टी
या पार्टी नेतृत्व की किसी बात को इनकार न कर सकें। हालांकि हर दल में व्यवस्था ऐसी ही है, लेकिन चूंकि अब सपा में नया प्रदेश अध्यक्ष बना था, बदला गया था, तो एक खबर तो बनती ही थी, इसलिए आपको ये जानकारी देनी पड़ी। अब बात एक ऐसी खबर की जो ये नारा देकर आया कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। 20 साल 30 साल बाद जब एक भतीजे ने उसी तर्ज पर कुछ ज्यादा व्याकुलता और आक्रामकता दिखा दी, तो मायावती ने उसको पार्टी के पद और विरासत दोनों से बेदखल कर दिया। बात उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बसपा की और उनके चुनाव लड़ने के तौर तरीकों की। एक कहावत रही है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसी तर्ज पर मायावती इन दिनों एक अजीब सी राजनीति कर रही हैं, और यही वजह है कि लोग उन पर भाजपा की भी टीम होने का आरोप भी लगाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मायावती के जो फैसले हैं वो इस ओर इंगित करते हैं कि वो क्रिकेट की एक फिसलन भरी विकेट पर खेल रही हैं, जिसमें वो कई बार कैच आउट हो चुकी हैं और इस बार उनकी पूरी टीम के शून्य पर आउट होने का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन मायावती इससे बेफिक्र हैं, वो अलग चुनाव लड़ने का पहले फैसला कर चुकी हैं और इन दिनों वो दनादन टिकट बदल रही हैं। ऐसा वो टिकट काट रही हैं, बार बार दूसरों को दे रही हैं, जिसमें सीधे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो, तो स्वाभाविक फायदा NDA को होगा। यही इसी वजह से मायावती पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो डर गई हैं। वो टिकटों का चयन ऐसा कर रही हैं जिसमें उनके प्रत्याशी जीते ना जीते, लेकिन अखिलेश यादव की प्रत्याशी हार जाए, कुछ उनका इस तरह का मनसा दिखती है। दो मामले आए, मायावती ने जब टिकट अचानक से बदला, जौनपुर में धनंजय सिंह का टिकट काटा, उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का, और बस्ती में दयाशंकर मिश्रा का। जब ये दो टिकट मायावती ने काटे तो वहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा चुकी लड़ रहे हैं जौनपुर में, धनंजय का पत्नी का टिकट काट दिया, बाबू सिंह उनके पुराने खासम खास रहे हैं, उनसे भी उनको बदला लेना था, और यादव कैंडिडेट दे दिया उन्होंने जो सीधे समाजवादी पार्टी डंड करे, तो मायावती ने एक तीर से कई निशाना वहां साध दिया। अब बात बस्ती की आई, जहां दयाशंकर मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे, उनका टिकट काटकर लोकुश पटेल को टिकट दिया। संयोग देखिए कि राम प्रसाद चौधरी भी पटेल समाज के ही हैं, जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव, और बसपा ने भी पटेल को टिकट दिया। तो मायावती के जो टिकट हैं वो साफ बताते हैं कि वो सीधा टारगेट उनका है कि अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को सीधे डैमेज करो और उनका जितना वोट हो सके काटो। इसका मैसेज दलित समाज में भी नीचे तक जा चुका है। मोबाइल का जमाना है, सब खबर पहुंच जाती है पटापट व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। जौनपुर में बाबू सिंह की नाव डगमगा गई, लेकिन यह सब ठीक था। इसी बीच मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आशीर्वाद दिया कि भाई तुम रैली शुरू करो, नेता बनो, और वो धकाधक अपना रैलियां चालू की और एक से एक उन्होंने उड़ाने वाले भाषण शुरू कर दिए। सीतापुर में गए तो वहाँ उन्होंने BJP को आतंकवादी वाली पार्टी बना दी, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला। शाम को खबर आई कि आकाश आनंद पर मुकदमा हो गया, और उनके साथ साथ दौरहरा, लखीमपुर खीरी और सीतापुर के प्रत्याशी पर भी मुकदमा हो गया, और जिला अध्यक्ष पर भी सीतापुर के मुकदमा हो गया। इसके बाद आकाश आनंद रैली से गायब हो गए, उनकी रैलियां रद्द कर दी गई मायावती ने, उनका बाहर निकलना बंद हो गया, और 9 दिन बाद न वो घर के रहे और न उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया, और कहा कि अभी आकाश बच्चे हैं, अभी परिपक्वता नहीं आई है। मायावती किन कारणों से ऐसा कर रही हैं, ये लोगों के बीच चर्चा का विषय है।
बसपा में भी लोग इस बात को लेकर अब काफी साफ हो चुके हैं कि मायावती किन्हीं कारणों से डरी हुई है, वो अपने फैसले जो ले रही हैं वो कहीं से प्रभावित है, उनको पार्टी को बढ़ाने के बजाय समेटने में लगी हैं। इस डर के पीछे क्या रहस्य है? ऐसे फैसलों से बसपा और मायावती का क्या भविष्य है? लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया। ये जरूर रहा है कि आकाश आनंद जिस तेजी से हमले कर रहे थे वो मायावती और बसपा के रीति नीति से मेल नहीं खाता है। खासतौर से बसपा देश भर की इकलौती ऐसी पार्टी कह सकते हैं आप जो सड़क पर उतरकर कभी विरोध प्रदर्शन नहीं करती है। बसपा एक ऐसी पार्टी है जो मीडिया में लगातार इंटरव्यू भी नहीं देती है। आकाश आनंद लगातार रोज टेलीविजन पर इंटरव्यू भी दे रहे थे विभिन्न मीडिया चैनल्स को, यह भी उनकी नाराजगी का एक कारण बना। मायावती जिस दौर में है, जितना वो चुनाव हार चुकी हैं, लोकसभा और विधानसभा में जो उनकी पोजीशन है, इस बार वो एक भी सीट जीतने की स्थिति में है या नहीं, विधानसभा आगे होगी तब पता चलेगा। ऐसी स्थिति में पार्टी को ले जाकर वो कहाँ खड़ा करना चाहती हैं, वो क्या करना चाहती हैं, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। मायावती का वोट बैंक 22% से घटकर 12% पर आ चुका है। उसका अधिकतर हिस्सा तो भाजपा ने पहले ही लूट लिया था, लेकिन इस बार मायावती के फैसले भाजपा से उनकी नजदीकी या भाजपा को लाभ पहुंचाने वाली स्थिति से बहुजन समाज का कुछ हिस्सा इंडिया गठबंधन को ओर भी जा रहा है। ये राजनीति के जो जानकार हैं ये वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो दलित समाज का एक बड़ा वर्ग क्या मायावती के इन फैसलों से नाराज है और वो जान रहा है कि मायावती के फैसले बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो वो अलग होकर क्या इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है? ये चुनाव के परिणाम के बाद समीक्षा में आएगी बात। लोकतंत्र में ऐसी पार्टियों का उदय भी बहुत तेजी से हुआ है और उनका अंत भी ऐसा होता है कि फिर एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी उसको संभाल नहीं पाती है। लोकसभा चुनाव के बीच अब एक ऐसी खबर जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी है फिर, और यह खबर ब्यूरोक्रेसी की शीर्ष कुर्सी का मामला है, यानी कि मुख्य सचिव की कुर्सी को लेकर एक बार चर्चा फिर तेज हो गई है। हालांकि चुनावी चर्चा भी तेज है, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की कुर्सी को लेकर चर्चा इसलिए है कि जून में ही दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 4 जून को मतगणना है, यानी कि मान के चलिए कि 7 जून तक तो लगी ही रहेगी और 30 जून को दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे अफसर हैं जिनको 3 बार सेवा विस्तार मिल चुका है। 2 बार 1-1 साल के लिए उनको सेवा विस्तार मिला और 1 बार 6 महीने के लिए। तो स्वाभाविक है कि एक चर्चा पहले से चल पड़ती है कि यूपी का नया मुख्य सचिव कौन होगा। 2.5 साल की सेवा विस्तार के बाद अब ऐसी उम्मीदें कम हैं कि उनको अगला कोई विस्तार मिलेगा। उनकी विदाई अब तय मानी जा रही है। दुर्गा शंकर मिश्रा खूब रह लिए, नौकरी से ज्यादा नौकरी कर लिए। 1984 बैच के वो IAS अफसर हैं और यहाँ 1990 बैच रिटायर हो रहा है। तो आप सोचो उनके नीचे के 6 बैच के अफसर रिटायर होकर घर चले गए और दुर्गा शंकर मिश्रा अभी नौकरी में बने हुए हैं। हालांकि जब वो पहली बार आए थे 31 दिसंबर 2021 को उनका रिटायरमेंट हुआ था, तब 1 साल का सेवा विस्तार मिला, तब भी ये यूपी के इतिहास में एक अनोखा उदाहरण था। इतना लंबा सेवा विस्तार किसी को नहीं मिला था। तो ये माना गया कि चलो 2022 के दिसंबर में वो रिटायर होकर चले जाएंगे, कोई नया चीफ सेक्रेटरी आएगा। लेकिन 22 में फिर उनको 1 साल मिल गया, फिर 23 में लोग सोचे, फिर 23 में 6 महीना मिल गया। उनके ऊपर के कनेक्शन बहुत मजबूत हैं जिसके चलते वो बार बार सेवा विस्तार ले लेते हैं और उनके नीचे के कई वरिष्ठ अफसर रिटायर होते जाते हैं। वो तकते रहते हैं कुर्सी अब खाली हो, अब खाली हो, इस महीने जाएंगे,
लेकिन फिर एक परवाना आ जाता है दिल्ली से और जो उम्मीद में थे वो निराश हो जाते हैं, फिर सर झुकाकर घर का रास्ता पकड़ते हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा के सेवा विस्तार ने उत्तर प्रदेश में कई सारे अफसरों का जो चमकदार कैरियर था उसको खत्म कर दिया है। अगर आप अतीत पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक समय था कि जब दुर्गा शंकर मिश्रा फिगर में कहीं नहीं थे, वो भारत सरकार में थे और रिटायरमेंट के करीब थे। उस समय मुख्य सचिव पद के दावेदार अवनीश अवस्थी थे और उनके साथ साथ 87 बैच के ही 4 अफसर दावेदार थे, जिसमें संजीव मित्तल भी थे, हेमंत राव भी थे और महेश कुमार गुप्ता भी थे। 1987 बैच, उस समय उसके पास काफ़ी समय था उत्तर प्रदेश में, हेमंत राव से लेके महेश गुप्ता तक, अवनीश अवस्थी तक। लेकिन 2021 में जैसे ही 31 दिसंबर हुआ और दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के चीफ सेक्रेटरी उसी दिन बनाए गए एक साल का सेवा विस्तार देकर, वैसे ही इन सारे अफसरों की उम्मीदें, भविष्य सब समाप्त हो गया। हालांकि एक आदमी डटा हुआ है, मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के IAS अफसर हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी भी सेवा में हैं और वो APC भी हैं और IIDC भी हैं। यानी कि जब दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर होंगे तो मनोज कुमार सिंह की नौकरी 13 महीने लगभग बची होगी, तो स्वाभाविक है कि वो मुख्य सचिव पद के बहुत प्रबल दावेदार होंगे। अगर मनोज सिंह नहीं बन पाए नए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के, तो फिर 89 बैच के अफसर में से कोई एक मुख्य सचिव पद का दावेदार हो जाएगा। उस 89 बैच में कौन अफसर हैं जो मुख्य सचिव पद के दावेदार हैं? उसमें दो नाम हैं। एक नाम है SP गोयल का, शशि प्रकाश गोयल, जो 1989 बैच के IAS अफसर हैं, मुख्यमंत्री के ACS हैं। और दूसरा नाम आता है देवेश चतुर्वेदी का, जो इस समय उत्तर प्रदेश में नियुक्ति विभाग और कृषि विभाग के ACS हैं। देवेश चतुर्वेदी की नौकरी 2026 तक है और SP गोयल की नौकरी 2027 तक है। तो सिर्फ अगर आप देखिए तो दुर्गा शंकर मिश्रा को लेकर 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दावेदार हैं इस पद के। IDC मनोज कुमार सिंह 88 बैच, और अगर वो नहीं हो पाए तो फिर 89 बैच में SP गोयल और देवेश चतुर्वेदी। ये सिर्फ 3 नाम में से ही कोई अगला उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनेगा। जून के बाद आप यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। कितने दिन तक बैलगाड़ी ठेल ठेल के चलाई जाएगी? कितने दिन तक सेवा विस्तार पर एक अफसर को आगे बढ़ाया जाएगा? कितने दिन तक नीचे के लोगों का हक मारा जाएगा? तो फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको मंजर भोपाली की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, जिसमें लोगों की चालाकी भी सुनने को मिलेगी और सामाजिक जीवन की संवेदनाओं की बात भी आएगी। तो सुनिएगा कि जिनको भी आग लगाने का हुनर आता है वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है, और खाली दामन है यहाँ पेड़ लगाने वाले और हिस्से में लुटेरों के समर आता है। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है, और याद आ जाती है परदेश गई बहनों की झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। नमस्कार।